हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। आज के इस वीडियो फ्रेंड्स चिली प्लांट पर है। ये चिली प्लांट में लॉट्स ऑफ चिली आप किस प्रकार से पा सकते हैं, ये देखिए। ब्लैक वाले चिली प्लांट है और इसके नीचे मैं ग्रीन चिली प्लांट लगा रखी हूँ। तो फ्रेंड्स, इसके लिए क्या आपको जानकारी होनी चाहिए, कौन सा लोकेशन, कौन सा फर्टिलाइजर इसमें डालें कि आपके चिली प्लांट में लॉट्स ऑफ चिली देखने को मिले। जैसे कि देखिए, मेरे प्लांट में भी आप देख सकते हैं कितनी मात्रा में ये चिली बनने स्टार्ट हो गए हैं। देखिए, सबसे पहले बता दूं, ग्रीन चिली के लिए अगर आप ग्रीन चिली को नर्सरी से खरीद कर लाते हैं तो सबसे पहले आप कोशिश करें थोड़े से बिग साइज वाले प्लांट में लगाएं तो बेहतर है, क्योंकि ये प्लांट थोड़े से बड़े होकर ज़्यादा मात्रा में ये चिली प्लांट चिली ग्रो करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, मेरी भी देखिए कितने बड़े पॉट में मैं लगा रखी हूँ, देखिए देख सकते हैं, जिसके कारण मैं एक ब्लैक वाले लगा रखी हूँ और दो तीन मेरे ग्रीन प्लांट भी लगे हुए हैं मिर्च के। और सभी प्लांट बहुत ही अच्छी तरह से इसमें जगह होने के कारण, ज़्यादा स्पेस होने के कारण अच्छी तरह से ग्रो हो रहे हैं। और दूसरी जो बातें हैं चिली प्लांट के लिए, सनलाइट। फ्रेंड्स, कोई भी प्लांट के लिए, चाहे चिली प्लांट हो चाहे और भी फ्लावरिंग प्लांट हो, फ्लावर अच्छी तरह से प्रोड्यूस करे, अच्छी तरह से बड्स बने, तो उसके लिए जरूरी है सनलाइट। तो फ्रेंड्स, इस चिली प्लांट को जहाँ भी आप लगा रखे हैं तो कोशिश करें इसे 5 से 6 आवर की धूप मिले तो बेहतर है इस प्लांट की ग्रोथ के लिए। अब प्लांट की ग्रोथ और भी अच्छी तरह से हो तो उसके लिए जरूरी है प्लांट के लिए न्यूट्रिएंट्स, भोजन। जिस प्रकार से हम लोग अपने भोजन में तरह तरह के सलाद, फ्रूट, सब्जियां खाते हैं अपने फायदे के लिए, उसी प्रकार से प्लांट के लिए भी न्यूट्रिएंट्स जरूरी है, जिससे आपके प्लांट में मिर्च बने और ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावर प्रोड्यूस हो सके। तो इसके लिए फ्रेंड्स कौन सा फर्टिलाइजर देना चाहिए, तो फ्रेंड्स इसमें आप मैं जो फर्टिलाइजर यूज कर रही हूँ, काऊ डंक डालती हूँ 15 दिन में। इसके अलावा कभी कभी मैं किचन वेस्ट फर्टिलाइजर भी डाल देती हूँ। और फिर इसके अलावा एक फर्टिलाइजर है इप्सम साल्ट, वो मैं इसमें यूज करती हूँ 15 दिन के अंदर। देखिए, ये तीनों फर्टिलाइजर आप अगर अपने प्लांट, मिर्च के प्लांट में यूज करते हैं तो आपके मिर्च के प्लांट में मिर्च ही मिर्च। और चिली प्लांट के लिए जरूरी बातें हैं कि आपके प्लांट हेल्दी रहेंगे तभी प्लांट आपके मिर्च ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस करेंगे। तो इसके लिए जरूरी है प्लांट को पेस्ट इंसेक्ट से बचाया जाए। तो फ्रेंड्स, इसमें कभी कभी पत्तों का मुड़ जाना और कभी कभी कीड़े वगैरह लग जाते हैं, तो इस तरह की स्थिति अगर आपके प्लांट में दिखे तो, अगर ज़्यादा आपके प्लांट पेस्ट इंसेक्ट से घिरे हैं तो रोगर का स्प्रे आप कर सकते हैं। नहीं तो आप बिकली अपने घर पर ही ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड बनाकर, जैसे नीम ऑयल हो या नीम के पत्तों का स्प्रे, नीम के पत्ते को आप उबाल कर ठंडा करके पानी का स्प्रे करते रहे तो इतने में ही आपके प्लांट हेल्दी और स्वस्थ रहेंगे। और फ्रेंड्स, कभी कभी मैं एक ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर और बता दूँ जो